उत्तर बिहार और मिथिलांचल के लोगों के लिए 5 जुलाई का दिन ऐतिहासिक रहा। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर 2020 को उड़ान योजना के तहत स्पाइसजेट ने फ्लाइट शुरू की थी। इसके तकरीबन 8 महीने बाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने भी यहां से सेवा शुरू कर दी। इंडिगो ने दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए सीधे उड़ाने शुरू की है। कोलकाता से पहली फ्लाइट को दरभंगा तक उड़ाकर लाने वाले पायलट सारण के सांसद और इंडिगो के कैप्टन राजीव प्रताप रूडी रहे। इस फ्लाइट में यात्री के तौर पर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद रहे। हैदराबाद और कोलकाता से दरभंगा पहुंचे यात्रियों ने इंडिगो की फ्लाइट शुरू करने पर खुशी जताई। सारण के सांसद और कोलकाता से इंडिगो की पहली फ्लाइट के पायलट राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आज उत्तर बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। रूडी ने कहा कि वे फुल यूनिफॉर्म में इंडिगो के ग्रुप कैप्टन के तौर पर इस फ्लाइट को कोलकाता से दरभंगा लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट तकनीकी दृष्टि से भी काफी समृद्ध है और यहां ऐसे उन्नत यंत्र लगे हैं कि फ्लाइट सैटेलाइट से सीधे संपर्क करती है और उसका जमीन से कोई संपर्क नहीं होता। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के विकास की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल कनेक्टिविटी की उड़ान योजना के तहत इस एयरपोर्ट को शुरू किया था और यह बेहद सफल एयरपोर्ट बन रहा है। वहीं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि मिथिलांचल और उत्तर बिहार के लोगों ने यहां हवाई सेवा का सपना देखा था, जिसे भाजपा और जदयू की सरकार ने पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने यहां से सेवा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भविष्य में एयर इंडिया जैसी कंपनियां भी यहां से सेवा शुरू करेंगी। संजय झा ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कई असुविधाओं के बीच बड़ी संख्या में यात्री यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट लो लैंड पर स्थित है, इस वजह से यहां जल जमाव और बाढ़ का खतरा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के भीतर तकरीबन 20 किलोमीटर में बनाए गए बांध जल संसाधन विभाग के तहत आते हैं। उन्होंने कहा कि वे इन बांधों पर पक्की सड़क बनाने का काम शुरू करेंगे ताकि यहां समस्या ना हो। संजय झा ने यह भी कहा कि जब तक नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार नहीं होता, तब तक अस्थायी पार्किंग और यात्रियों के बैठने की सुविधा की व्यवस्था वे लोग करेंगे। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए एयरफोर्स में अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि अब बिहार कैबिनेट के पास होकर जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। वहीं एक यात्री पूनम तालुका ने कहा कि वे हैदराबाद से चलकर इंडिगो की सीधी फ्लाइट से दरभंगा पहुंची हैं। इससे उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले स्पाइसजेट की फ्लाइट थी जो कैंसिल होती थी तो काफी दुख होता था। उन्होंने कहा कि अब दो विकल्प होने की वजह से काफी सुविधा हो गई है। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की। एक अन्य यात्री शंभू चौधरी ने कहा कि वे सीधे फ्लाइट से हैदराबाद से दरभंगा पहुंचे हैं, इसकी उन्हें बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट पर कई सारी असुविधाएं, यहां पार्किंग की सुविधा नहीं है, साथ ही यात्रियों के बैठने के लिए भी जगह कम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि धीरे धीरे यह समस्या दूर हो जाएगी और इस एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकास होगा। और RCS योजना के तहत दरभंगा हवाई अड्डे का चयन हुआ। पहले स्पाइस जेट की शुरुआत हुई और स्पाइस जेट के बाद आज एक ऐसा अवसर हुआ कि इंडिगो का भी पहला फ्लाइट आज दरभंगा कलकत्ता से उतरा। और क्योंकि औसतन हम हवाई जहाज के कप्तान भी हैं, उड़ाते भी हैं, तो आज एक सुगम एक ऐसा संयोग है कि आज श्री संजय झा, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और स्वयं मैं उस विमान का कप्तान था, और इंडिगो का पहला आगमन कलकत्ता से दरभंगा हवाई अड्डे पर हुआ। हमने ये यहाँ का जो उतरने का तरीका है वो देश में बहुत कम स्थान पर है, उसे RNP अप्रोच कहते हैं। इसका मतलब है जहाज सैटेलाइट से बात करता है और ज़मीन के किसी उपकरण का उपयोग नहीं होता है। और पहली बार दिशा 10 जो पूरब दिशा में पहली बार हमने उस जहाज़ को उतारा जो दरभंगा के इतिहास में जाएगा, एक अच्छा प्रयास, बहुत संभावना है। उत्तर बिहार का ये प्रमुख एयरपोर्ट के विस्तार में, और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय सांसद को भी, गोपाल जी का, वो आज नहीं आ पाए, लेकिन विशेष तौर से संजय झा साहब का, जिन्होंने आज इंडिगो की सेवा का यहाँ प्रारंभ बनाया और उस विमान का मैं कप्तान था। आप सबको, इस शहरवासियों को, कि उत्तर बिहार का दरभंगा एक केंद्र बिंदु बनेगा और बन चुका है, और मैं समझता हूं कि इस हवाई यात्रा के बाद ये शुरुआत हो चुकी है। बात कही, हाँ, आप वर्दी में मैं था, अंदर में वर्दी था, यहां उतार के मैं आया। कितने देर का ये? देखिए 50 मिनट का ये यात्रा कलकत्ता से दरभंगा का 50 मिनट का यात्रा था। और हमारे साथ वरिष्ठ कमांडर शैलेश थे, जहाज में लगभग 53 यात्री थे। बड़ा अच्छा था, पहली बार कोई सांसद एक विमान का कप्तान दरभंगा उतरा हो, तो शायद इससे बड़ा एक त्यौहार और खुशी का मौका और कुछ नहीं। जब इंडिगो एयरलाइन का फ्लाइट हैदराबाद और कलकत्ता से डायरेक्ट दरभंगा आया, आज का इस फ्लाइट को उड़ा करके जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और छपरा के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी जी, वही उस फ्लाइट को कलकत्ता से जो दरभंगा आया है उसको लैंड करवाया। मैं भी उस फ्लाइट से कलकत्ता से आया हूँ।
और मेरे ख्याल से स्पाइस जेट के बाद ये दूसरा एयरलाइन यहाँ पर शुरू हुआ है। इंडिगो देश का सबसे बड़ा एयरलाइन है और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से, जो मुझे बता रहे थे वो लोग, अभी जो फ़्लाइट जा रही है कलकत्ता वो पूरा फ्लाइट फुल है उनका। हैदराबाद जो फ़्लाइट जा रही है पूरा फ्लाइट फुल है। इसका मतलब इसका पोटेंशियल इस एयरपोर्ट का देश में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट के रूप में इमर्ज कर रहा है। जहाँ तक इसकी फैसिलिटी की बात है, जब काम शुरू हुआ है तो उसका भी निदान धीरे धीरे हो जाएगा। अभी जो 78 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार को एक्वायर करके देना है, पहले तो आप लोगों को पता है कि ये लैंड 31 एकड़ का था, लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ता गया, मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर के मीटिंग की थी और मीटिंग में उनका भी सुझाव था और उन्होंने भी आग्रह किया था भारत सरकार से, माननीय जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी से, कि यहाँ पर कार्गो का भी, एयर एम्बुलेंस का भी, और भी पार्किंग मिले और एयरलाइन आए। ये फ़ोन से भी बात किया था और चिट्ठी भी लिखा था। उसी दिशा में काम प्रोग्रेस हो रहा है और लैंड का आवश्यकता इस पर पड़ा है। जो 121 करोड़ रुपया पहले ज़मीन के लिए था 31 एकड़ के लिए, अब ये करीब करीब 301.5 करोड़ रुपया हो गया। अब कैबिनेट में जाएगा ये और बिहार सरकार जल्दी ही इसको एक्वायर करने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। एक बार लैंड एक्वायर हो जाएगा तो आपको इस पे टर्मिनल बिल्डिंग बनना, अन्य फैसिलिटीज, वो थोड़ा समय लगेगा। तब तक जो समस्या है, अभी मैं देख रहा था जल संसाधन का भी कोई इशूज है, जो पूरा रोड अंदर का है 10.5 किलोमीटर, ये वो जल संसाधन का ही बांध है जो एयरपोर्ट के अंदर है। तो मैंने कहा है अभी कि भाई उसको भेजिए, इसका पक्कीकरण हम लोग करा देंगे पूरा 10.5 किलोमीटर का। तो अंदर में जितना मूवमेंट करना होगा, सिक्योरिटी का बात है, अन्य चीज़ें हैं, वो आसान हो जाएगा। ये लो लैंड एरिया है तो 10 एंटी फ्लड स्लिस है, मैं टेक्निकल बात सब बता रहा हूँ, तो वो भी फंक्शनल रहे, और ज़रूरत होगा तो और बनवाएंगे जल संसाधन से। नहीं, जब तक नया एक्वायर करके बिल्डिंग बनने में जो समय तो लगेगा, तब तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में पार्किंग हो, चाहे जो पैसेंजर को वेटिंग एरिया है, क्योंकि अब एक ही प्लेन का वेटिंग एरिया है, अब प्लेन बढ़ता जा रहा है और डिमांड होता जा रहा है, वो कैसे बढ़े, अन्य सुविधा जो इसमें किया जा सकता है वो, तो वो सब हम लोग आगे इसको परस्यू करेंगे। पहली बार आप आई हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा है। कैसे मतलब, क्या कोई परेशानी हुई सीधे आने में? कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी। मैं हैदराबाद से आई हूँ, डायरेक्ट फ्लाइट हो गई, हमको बहुत प्रॉब्लम पहले होती थी, बहुत अच्छा लगा। क्या चाहेंगी इस एयरपोर्ट के विकास के लिए? बस थोड़ी सुधार और ज़्यादा हो जाए, और फ्लाइट कभी पहले स्पाइस जेट की कैंसिल होती थी, अब कैंसिल नहीं हो तो अच्छा है मेरे लिए। दूसरी कंपनियां आए यहाँ पे, उसके लिए क्या कहेंगी? अच्छी बात है, जितना अच्छा विकास होगा उतनी अच्छी बात है ना। नहीं, बड़ी खुशी हुई कि डायरेक्ट फ्लाइट हैदराबाद से यहाँ के लिए, दरभंगा के लिए मिली है, और सुविधा का कुछ यहाँ अभाव है अभी, लेकिन जितना है उससे बहुत खुश हैं, और आगे भविष्य में आगे और बढ़ता रहे इस तरह की सुविधा, फ्लाइट में बढ़ती रहे, आने जाने में बड़ी सुविधा है। स्पाइस जेट के बाद इंडिगो दूसरी कंपनी है। हाँ, क्या चाहेंगे आप? और कंपनियां आए यहाँ? नहीं नहीं, और कंपनियां आए, क्योंकि यहाँ जो हब है, यहाँ से जितने पैसेंजर हैं उसके हिसाब से सुविधा का थोड़ा अभाव है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सारी सुविधाएँ आएँगी, तो सारे लोग सुख पाएंगे। आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बने? जी जी जी, निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बने ये। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।